वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं रोहिणी वंस अगेन आज आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया वीडियो लेके आई हूँ। बिकॉज आज का वीडियो जो होने वाला है वो होने वाला है मीशो से, लेकिन मीशो से मैं आपके लिए आज बहुत ही कंफर्टेबल जो होती है ट्यूब ब्रास उसका रिव्यू करने वाली हूँ। बिकॉज ये जो ब्रास है जनरली हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो ऑफ शोल्डर या फिर कोल्ड शोल्डर जो हमारे पास ड्रेसेस होती हैं, हम उसके ऊपर किस तरीके की ब्रास पहने या फिर किस तरीके की इनर्स पहने हमें समझ में नहीं आता है। एंड उस टाइम पे जनरली लेडीज का प्रॉब्लम ये होता है कि हमारी बस साइज के हिसाब से हमें हमारा जो ब्रा साइज है, ब्रा टाइप है, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड इसके लिए हम क्या करते हैं, हम हजारों रुपए खर्च करते हैं। हम बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ 600-700-800 रुपए तक के पैसे खर्च करते हैं और उसमें सिर्फ हमें एक ब्रा मिलती है। लेकिन आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपके लिए जो ब्रा लेके आई हूँ वो है ट्यूब ब्रा। जनरली ऑफ शोल्डर्स जो होते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आई थिंक एक हॉल किया था जिसमें ब्लैक कुर्ती हॉल किया था, उसमें मैंने एक टॉप पहना था जिसमें ऊपर पूरा नेट था एंड नीचे ब्लैक कलर का था, ऊपर ब्लैक नेट था। तो जब अगर हम लोग वो ऊपर का अगर देखेंगे तो वहां से स्ट्रिप्स दिखेंगी, लेकिन उसमें मैंने नहीं पहनी थी। उसमें मैंने मतलब जो नॉर्मल ब्रा होती है वैसे नहीं पहनी थी, मैंने ट्यूब वाली पहनी थी, इसीलिए मेरे स्ट्रिप्स वहां पे विजिबल नहीं थे। तो उस टाइप के लिए आपके पास किस तरह की ब्रा होनी चाहिए मैं आपको आज दिखाऊंगी। तो ये जो मैंने खरीदी है ये मीशो से मैंने खरीदी है, एंड ये आई थिंक मुझे 300 में 3 का सेट मिला है, 300-350 में मुझे ये 3 ब्रास का सेट मिला है। एंड ये मुझे मिला है 3 कलर्स में, इसमें एक ब्लैक है, एक न्यूड है और एक वाइट है। कॉम्बो का पैक है एंड इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो ये जो ट्यूब ब्रास है ये आपको नेट के हिसाब से लाइक नेट पैटर्न में आती हैं, लेकिन आपको इसके अंदर कप्स भी मिल जाते हैं। आप इस कप्स को अगर आप चाहें तो आप इन्हें रिमूव भी कर सकते हैं एंड आप इसको पहन के भी लाइक इसको रख के भी आप इसको पहन सकते हो। रिमूव करना चाहो तो रिमूव कर सकते हो, मैं जनरली रिमूव करती हूँ बिकॉज मुझे पैडेड थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है तो मैं रिमूव कर लेती हूँ। अगर कोई ऐसी ड्रेस होती है जिसमें अगर आपको लगता है कि पॉइंट्स वगैरह का कुछ प्रॉब्लम है तो आप उस टाइप पे पैड्स रखे रहिए एंड उसके बाद यूज कीजिए। तो ऐसे ड्रेसेस में मैं यूज करती हूँ विदाउट में, और जब जरूरत पड़ती है तो विद मैं पैड्स रखती हूँ। एंड ये निकल भी जाते हैं तो आप इसको आराम से रख सकते हो एंड बाद में इसको यूज कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, इसकी जो नेट की क्वालिटी है आप देख सकते हैं, इसकी नेट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मुझे लगा था कि 300-350 रुपए में मुझे 3 ब्रास मिल रही हैं, तो बहुत ही वैसे साधारण सी एंड बहुत ही मतलब सादी वाली क्वालिटी होगी, बट नहीं, बहुत अच्छी क्वालिटी है। एंड बेस्ट पार्ट इसमें मुझे ये लगा है कि ये अगर ट्यूब ब्रा भी है तो आपको इसके साथ स्ट्रैप्स मिल रहे हैं, आपको यहाँ पे 3 हुक का पैटर्न भी मिल रहा है। एंड ये जो ट्यूब ब्रा है आप देख सकते हैं इसका जो विड्थ है ये बहुत अच्छा खासा है, जिससे ये आपका पूरा बस्ट एरिया है अच्छे से कवर कर लेगा। एंड बिल्कुल भी आपको लाइक ये अगर आपको लगता है कि ये नीचे सरक रही है या फिर अगर आपको लगता है कि ये मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये नीचे नीचे जा रही है, तो इसके लिए इन्होंने इसके साथ हर एक ब्रा के साथ आपको ट्रांसपेरेंट जो स्ट्रैप्स दिए हैं जो हमें अलग से खरीदने पड़ते हैं, लेकिन इन्होंने हर एक के साथ ट्रांसपेरेंट दिए हैं। ये मैंने पहनी थी इसलिए इसमें आपको दिखी नहीं है, व्हाइट मैंने अभी तक नहीं पहनी है एंड इवन जो न्यूड है वो भी मैंने अभी तक नहीं पहनी है, इसलिए इसमें वो स्ट्रैप्स अटैच्ड हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी जो क्वालिटी है, अब आप व्हाइट कलर में देखिए इतनी सुंदर इसकी क्वालिटी है ना, जो मुझे बहुत पसंद आई, स्पेशली मुझे बहुत पसंद आई। एंड ये जो है इसका जो मटेरियल है इसका इलास्टिक भी बहुत अच्छा है, इसके हुक्स भी पतले वाले हुक्स नहीं है, अच्छे वाले हुक्स हैं, कड़क वाले हुक्स हैं जो गन्स मारते हैं, मतलब जो बाद में उसका रेडिश हो जाते हैं वैसे नहीं होंगे। एंड इसकी हुक की क्वालिटी मुझे भी बहुत अच्छी लगी। एंड यहाँ पे आपको जो है ये दिया हुआ है जहाँ पे आप इन स्ट्रैप्स को अटैच कर सकते हैं, यहाँ पे एंड यहाँ पे, मतलब ये पीछे जाके आप दोनों भी स्ट्रैप्स को पहन सकते हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि इन केस कभी प्रॉब्लम आ जाए तो आप ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप भी पहन लो, आपका काम हो जाएगा। तो ये मुझे बहुत सही लगे। ये मैंने 36B में खरीदा है, आई थिंक सो, यस, मैंने इसको 36B में खरीदा है, जो मेरा साइज है 36B में, आई थिंक सो मैंने इसको खरीदा है 36B या C में, बिकॉज अभी इसमें नहीं दिखा रहा है साइज, बट मैंने जो उसमें चूज किया था उसमें 36B था। ये देख सकते हैं आप न्यूड में भी एक एक मिल रहा है, तो मुझे 3 सेट्स मिल चुके हैं जो डिटैचेबल है, जो आप निकाल भी सकते हो, पहन भी सकते हो, विदाउट हो सकता है। एंड हर एक के साथ जो पैड्स आए हैं वो उसी के कलर्स के हैं, तो अच्छे से मैच हो जाएगा। न्यूड जनरली जो होता है ना, न्यूड ड्रेसेस होती हैं कुछ इस तरीके की ड्रेसेस होती है, तो आपको मतलब अच्छे से लाइक ऑलमोस्ट आपका जो फिटिंग है वो अच्छे से दिखे, ड्रेस अच्छे से दिखे, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तीनों भी
जो है वो मुझे बहुत सही लगे एंड इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी। ये न्यूड में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे नेट है बट स्टिल इसकी क्वालिटी अच्छी है। इनर का जो कपड़ा है वो भी होजियरी का कपड़ा है तो वो भी बहुत अच्छा लगा एंड सॉफ्ट है बहुत ही। लाइक वॉश मैंने इस वाले को किया है, ब्लैक वाले को मैंने वॉश किया है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको बताऊँ तो ये देखिए इसकी क्वालिटी बिल्कुल वैसी की वैसी है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया। लाइक ऑलमोस्ट जैसी है वैसी ही है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने इसको मशीन वॉश नहीं किया है, हैंड वॉश किया है, जस्ट हाथ से मैंने इसको धो लिया एंड रख दिया। इसके जो पैड्स है वो मैंने निकाल के रख दिए थे एंड फिर बाद में इसमें फिर से लगा लिए बिकॉज ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊं मेरे पास मैंने अमेजोन का लॉन्जरी हॉल जो किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप ब्रालेट्स को ब्लाउज की तरह कैसे पहन सकते हो, उसमें भी पैड्स आए थे तो मैंने वो रखे हुए हैं तो उसी के साथ मैंने इसको रख दिया था बिकॉज ये पहन नहीं रही थी, लेकिन वो मिक्स हो जाएंगे इसीलिए मैंने इसके इसमें लगा के रख दिए। तो वो भी एक बहुत अच्छा है, वहां पे भी मैंने आपके साथ बहुत अच्छे ब्रा या ब्रालेट्स मैंने आपको ब्रालेट्स हैं एक्चुअली ब्रालेट्स या ब्लाउज जो आप एज अ साड़ी के साथ पहन सकते हैं वो मैंने आपको वहां पे पहन के भी दिखाया है उस वीडियो में, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। एंड ये भी आप जरूर मेरे रिकमेंडेशन पे खरीदिए बिकॉज ये बहुत अच्छा है। इसका जो कोड है आपको वो नीचे मिल जाएगा एंड मैंने जो लिंक नीचे दी है आप उसके थ्रू अगर मीशो आप डाउनलोड करते हो तो आपको इसके फर्स्ट ऑर्डर पे 100 रुपीज ऑफ या फिर 30% डिस्काउंट मिलेगा। एंड साथ ही में बहुत अभी फेस्टिवल ऑफर्स चल रहे हैं उसका भी आप बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हो, तो फटाफट जाइए नीचे लिंक दे दी है मीशो आप डाउनलोड कीजिए एंड साथ ही में कोड दे दिया है तो कोड से भी आप इसको ले सकते हो एंड वहां से परचेस कर सकते हो। साइजेस भी अवेलेबल है, आप साइजेस भी कोई भी साइज आपके अकॉर्डिंगली साइज चूज करिए एंड परचेस कर लीजिए। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर आप क्या करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट आप नीचे लिखेंगे जिसमें आप आपको कैसा लगा वीडियो, क्या लगा या फिर कुछ भी नहीं अगर आप लिखेंगे तो रोहिणी #रोहिणी फैम भी लिख दिया तो भी काफी है। तो यस मिलते हैं एक और नए वीडियो में, देखते हैं कौन सा और नया वीडियो आता है जो मैं आपके लिए अगेन कुछ फायदेमंद वीडियो हो तो मैं लेके आऊंगी। एंड साथ ही में ऐसे वीडियोस देखने के लिए आपको मैंने बता दिया है क्या करना है, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी मैं अपडेट्स डालती रहती हूं, तो जरूर आप वहां पे मुझे कनेक्ट हो सकते हैं, चिट चैट कर सकते हैं, कुछ क्वेरीज हो पूछ सकते हैं, तो ये सारी चीजें आप आराम से कर सकते हो। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।